अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक व मासिक बैठक जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर की अध्यक्षता में हुई, जिसकी समीक्षा प्रदेश सचिव एवं संगठन प्रभारी खैर विधानसभा राम सहाय यादव, प्रदेश सचिव एवं संगठन प्रभारी अतरौली विधानसभा एडवोकेट ब्रिजमोहन राही, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं संगठन प्रभारी बरौली विधानसभा इंद्रजीत भाटी, इंदर प्रधान, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं संगठन प्रभारी छर्रा विधानसभा ठाकुर सोमवीर सिंह ने की। उन्होंने बताया कि दीपावली के बाद एक सप्ताह के अंदर उन्हें बूथ स्तर तक की सभी कमेटियां पूरी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी नए वोट बढ़ाने का कार्य करें। जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर व सभी पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों एवं प्रभारी गणों व उनके सभी साथियों का जोरदार स्वागत किया। समीक्षा बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर बादशाह खान ने किया। अलीगढ़ जो है लोकसभा का जो है पूरी तैयारी हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को प्रभारी बना दिया। मैं जो है अलीगढ़ की एक विधानसभा शहर विधानसभा का प्रभारी हूँ। ऐसे हमारे चारों जो है प्रभारी हैं अन्य अन्य विधानसभाओं के। आज जो है समीक्षा बैठक इस बात के लिए जा रही है कि लोकसभा में आने वाला चुनाव 2024 में जो होने वाला है, पूर्व में जो हमारा 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा में, जब मतदाता हमारे पूरे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से चतुराई से हर बूथ में हमारे वोटों को कटवाने का काम किया और टारगेट मतलब एक एक टारगेट ऐसा बनाया जहां यादवों के मुसलमानों के ज्यादा वोटर थे उनको कटवाने का काम किया। अब इसलिए हम लोग जा चुके हैं, इन्हें जगा दिया है। हम एक एक विधानसभा में जाके ना ही अपने सेक्टर प्रभारी बूथ प्रभारी जो है जाके ना ही देखेंगे और पूरी विधानसभा को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी दौर जो है वोट काटने का बढ़वाने का चल रहा है। जो हमारे BLO हैं उनको लगाया जाएगा। हम वो तैयारी करके ना ही पहले से चल रहे हैं और एक एक वोटर पर हमारी निगरानी रहेगी और पूरी हमारी मुस्तैदी से हम उस विधानसभा में काम करेंगे जो हमारे नेता ने हमें दिया है। आज जो समीक्षा है, आज हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से आज पूरे जो है विधानसभा के लोग बुलाए हुए और सेक्टर प्रभारी बुलाए गए, बड़ी बढ़िया तरह से ये बैठक चली है। उन्होंने एक एक लोगों से पर्चा कराया हमारा और निश्चित रूप से जो है 50-60% काम हो गया है विधानसभा में। कुछ लोगों कम रह गया है, उसका समय अभी हम काफी है तो समय से हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने प्रभारियों को हर विधानसभा स्तर पर भेजा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय नरसिंह पटेल जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारी विधानसभाओं के लिए ऐसे जुझारू और कर्मठ माननीय प्रभारी जी नियुक्त किए हैं। इनसे हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित मिले।